नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतन शर्मा और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल एग्रीकल्चर गुरुदेव पर। दोस्तों, आज का लेक्चर बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लेके आए हैं एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट्स, फल का खाए जाने वाला भाग। और ये क्वेश्चन किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम में आता ही आता है। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट नहीं है, नॉन एग्रीकल्चर है, तो भी ये क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर आएगा, यानी कि आज आपका एक नंबर पक्का। दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए। चलिए दोस्तों, एक बार वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दें और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, आज का टॉपिक है एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स। दोस्तों, क्रॉप एंड फ्रूट्स का हमने एडिबल पार्ट लिया है, तो इसमें हम दो चीज़ें ली हैं, एक तो फ्रूट टाइप और एडिबल पार्ट्स। दोस्तों, बात करें सीरियल्स की और ग्रासेस की। ऑल सीरियल्स एंड ग्रासेस, जितने भी खाद्यान्न और घास वाली फसलें होती हैं, उनके फ्रूट्स को बोला जाता है कैरियोप्सिस। याद रखेंगे, सीरियल कैरियोप्सिस, सी से सीरियल और सी से कैरियोप्सिस। याद रखेंगे, सीरियल वाली जो भी फसलें होती हैं उनके फ्रूट्स को बोला जाता है कैरियोप्सिस, और उसका खाया जाने वाला भाग है एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सीरियल्स का या ग्रासेस का खाया जाने वाला भाग है। बात करें दोस्तों लेग्यूम क्रॉप की, तो मोस्टली लेग्यूम क्रॉप के फ्रूट को बोला जाता है पॉड या फली। पॉड या फली, या लेग्यूम को भी फली कहा जाता है, और इसका खाया जाने वाला होता है भाग होता है कॉटिनेडल्स। कॉटिनेडल्स मतलब बीज पत्र, यानी कि जब हम दाल बनाते हैं तो आपने देखा होगा, दाल बनाते समय दाल का छिकला बाहर कर देते हैं, और जो उसके बीज पत्र होते हैं, दोनों बीज पत्रों का उपयोग हम खाने के रूप में करते हैं। दोस्तों, अब आगे चलते हैं, मैंगो, बेर, प्लम और डेट पाम। मैंगो, बेर और ये यहाँ पे आपका है पाम। एक मिनट में लिख देता हूँ, पाम, PLAM, यू नहीं है, ये ए है, पाम। क्या हो गया, मैंगो, बेर, पाम और डेट पाम। दोस्तों, ये सारे ही फल हैं, अगर आपने गौर से देखा हो तो इनकी गुठली जो होती है वो कठोर होती है। मैंगो की गुठली आपने अच्छे से देखी है, हार्ड होती है, कठोर होती है। बेर की गुठली कठोर होती है। पाम यानी कि खजूर, खजूर की गुठली कैसी होती है, हार्ड होती है। और डेट पाम, इन सभी की गुठली हार्ड होती है। तो आप दोस्तों याद रखेंगे, ऐसे फल जिनकी गुठली हार्ड होती है, उनके फल के टाइप को कहा जाता है ड्रूप। क्या कहा जाता है, ड्रूप। याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे फल जिनकी गुठली हार्ड होती है, उनके फल के टाइप को कहा जाता है ड्रूप। जिसके फल की गुठली हार्ड होगी उसे कहा जाएगा ड्रूप। और आप बताइए, जब गुठली हार्ड है तो हम गुठली नहीं खाएंगे। गुठली अगर हार्ड है तो गुठली नहीं खाएंगे। जब हम गुठली नहीं खाएंगे, मतलब हम कौन सा नहीं खाएंगे, तीन पार्ट होते हैं एडिबल पार्ट में। मोस्टली सबसे पहला बाहरी भित्ति को कहा जाता है एपिकार्प, बीच वाले भाग को कहा जाता है मीजोकार्प, और अंदर वाले भाग को कहा जाता है एंडोकार्प। कितने पार्ट हो गए, तीन पार्ट। पहला क्या, बाहरी एपिकार्प, बीच वाला मीजोकार्प, और सबसे अंदर वाला एंडोकार्प, यानी कि गुठली। तो दोस्तों, अगर गुठली हार्ड है, इसका मतलब हम गुठली नहीं खाएंगे, यानी किसको नहीं खाएंगे, हम एंडोकार्प को नहीं खाएंगे। तो बचे कौन से दो भाग, एक तो एपिकार्प बचा और दूसरा मीजोकार्प बचा। तो आप याद रखना दोस्तों, मैंगो, बेर, पाम और डेट पाम में हम कौन से भाग खाते हैं, एपिकार्प और मीजो। कौन से भाग खाते हैं, एपिकार्प और मीजोकार्प। दोस्तों याद रखेंगे, ऐसा फ्रूट्स जिसका फ्रूट टाइप ड्रूप होता है, उसके हम दो पार्ट खाते हैं, एपिकार्प और मीजोकार्प। लेकिन दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि आम का हम छिलका हटा देते हैं, यानी कि आम का केवल कौन सा भाग खाते हैं, मीजोकार्प। चलिए दोस्तों, अगर इतना आपको एक बार कन्फर्म हो गया है तो आगे चलें। आगे चलने से पहले एक बार और रिवाइज करते हैं। ध्यान रखना, सीरियल्स के कौन क्या कहा जाता है, कैरियोप्सिस, और सीरियल का खाने वाला भाग क्या है, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। दोस्तों, लेग्यूम के फल को क्या कहा जाता है, पॉड या फली, और उसका खाया जाने वाला भाग कौन सा है, कॉटिनल्स, बीज पत्र। दोस्तों, उसके बाद हमने बात की थी मैंगो की, आम, बेर, छुआरा, इनका अंदर गुठली हार्ड होती है, और जिनकी गुठली अंदर हार्ड होती है उन्हें कहा जाता है ड्रूप, और ड्रूप का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, एपिकार्प और मीजोकार्प, एंडोकार्प नहीं है। लेकिन आम में हम छिलका भी बाहर फेंक देते हैं, इसलिए आम में एपिकार्प भी बाहर चला गया, तो बचा क्या, मीजोकार्प।
चलिए दोस्तों आगे, टोमेटो, ग्रेप, ब्रिंजल, बनाना, चिली एंड पपाया। एक बार फिर देखते हैं, टोमेटो, टमाटर, अंगूर, बैगन, केला, मिर्च और पपीता। दोस्तों इन फ्रूट्स में कुछ सिमिलरिटी है कि उनकी सभी फ्रूट्स टाइप, सभी का फ्रूट्स टाइप जो है बेरी है। और आप कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे याद रखेंगे ऐसे फल जिनके बीज व्यवस्थित क्रम में न होकर पूरे थैलेमस में इधर उधर फैले रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बेरी। आप देखना टमाटर के बीज एक लाइन में, एक सीध में, एक विशेष क्रम में न होते हुए पूरे टमाटर में फैले रहते हैं। अंगूर के बीज पूरे अंगूर में फैले रहते हैं। बैगन के बीज पूरे बैगन में फैले रहते हैं। इस टाइप के फ्रूट को कहा जाता है बेरी। याद रखेंगे ऐसा फल जिसका, जिसके बीज जो है पूरे थैलेमस में कहीं इधर उधर उधर फैले रहते हैं, उसे कहा जाता है बेरी। और बेरी का खाने जाने वाला भाग आप बताइए टमाटर का क्या खाते हो। टमाटर का आप एपिकार्प भी, बाहरी भाग भी खाते हो, मीजोकार्प, मीजोकार्प भी खाते हो, एंडोकार्प उसके बीज भी खा जाते हो आप। जब तीनों भाग खाते हो, जब आप किसी भी फ्रूट्स का तीनों भाग खाते हो, एपिकार्प, मीजोकार्प या एंडोकार्प, तीनों भाग मिलके बनाते हैं पेरिकार्प। क्या बनाते हैं, पेरिकार्प। तो दोस्तों याद रखना हम क्या खाते हैं उसका, पेरिकार्प खाते हैं और प्लेसेंटा खाते हैं। और क्या खाते हैं, प्लेसेंटा। तो दोस्तों आप याद रखना बेरी में हम तीनों चीज़ें खाते हैं, पेरिकार्प खाते हैं, यानी कि पेरिकार्प यानी कि एंडोकार्प, मीजोकार्प और एपिकार्प, तीनों मिला क्या बनाते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प खाते हैं और प्लेसेंटा खाते हैं। तो दोस्तों ये सारे आपके किसके हैं, बेरी के। लेकिन इसके साथ में आप याद, ये भी याद रखोगे दोस्तों, जो पपाया होता है, पपाया के हम न तो बीज खाते हैं न तो हम उसके बीज खाते हैं, यानी कि एंडोकार्प भी नहीं खाया, और ना ही हम उसका छिलका खाते हैं यानी कि एपिकार्प भी नहीं खाते। जो खाए जाने वाला भाग है वो कौन सा है, मीजोकार्प। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखेंगे, जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तीसरी वाला जो सीरीज दोस्तों, सिट्रस, सिट्रस स्पीसीज मतलब जो भी नींबू वर्गीय फल हैं उन सभी फलों का जाता है हेस्पेरिडियम। क्या कहा जाता है, हेस्पेरिडियम। और इसका खाए जाने वाला भाग है एंडोकार्पिक जूसी हेयर। दोस्तों आपने अच्छे से देखा है जब आप नींबू का या संतरे का यूज करते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे हेयर निकलते हैं जो जूस से भरे रहते हैं, रस से भरे रहते हैं। तो आप याद रखोगे सिट्रस स्पीसीज का खाए जाने वाला भाग जूसी हेयर। आगे देखेंगे दोस्तों, पोमग्रेनेट यानी कि अनार का फल को कहा जाता है बालुष्टा, और उसका खाए जाने वाला भाग है एरिल। जो रस भरे दाने होते हैं उन्हें कहा जाता है एरिल। एप्पल और पियर, सेब और नाशपाती का फल को कहा जाता है पोम, और उसका खाए जाने वाला भाग है थैलेमस, यानी कि उसके हम बीज को नहीं खाते, बीज कॉट, सीड कॉट को नहीं खाते, सीड और सीड कॉट दोनों को ही नहीं खाते। तो उसका खाए जाने वाला भाग क्या है, थैलेमस। कोकोनट, कोकोनट में आपने अच्छे से देखा होगा हम बाहर जब नारियल को छीलते हैं तो उसका बाहर का यानी कि एपिकार्प भी निकाल देते हैं, मीजोकार्प भी निकाल देते हैं, और जो सीड कॉट होता है उसको भी निकाल देते हैं। तो खाए जाने वाला भाग अंदर का बचता है एंडोस्पर्म, जिसे क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म। और फल को क्या कहा जाता है, कोकोनट। तो नट से याद रख लेना, फ्रूट्स टाइप क्या है इसका, नट। और कुकोरबिट्स जितने भी होते हैं, जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं, उन सभी के फलों को कहा जाता है पीपो, और खाए जाने वाला भाग होता है उसका एपिकार्प और मीजोकार्प, इसका एंडोकार्प नहीं खाते। तो दोस्तों ये थे आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो किसी भी एग्जाम में एक नंबर का जरूर आएगा। और अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चंस एक नंबर का 100% आने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारी सीरीज से जुड़े रहिए, और अधिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।